क्या आप जानते हैं भगवान के बारे में? क्या भगवान हमारी तरह सामान्य पुरुष है? शास्त्र क्या बताते हैं भगवान के बारे में? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हरे कृष्णा। श्रील व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या करते हुए बताया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यश्चैव षन्नाम भग इति नंगणा। भग यानी ऐश्वर्य और वान यानी धारण करने वाला। भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्य को धारण करने वाला। ये छह ऐश्वर्य धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, जिनमें संपूर्ण मात्रा में विद्यमान है, उन्हें भगवान कहा जाता है। और ये छह ऐश्वर्य कृष्णा में संपूर्ण मात्रा में विद्यमान है, इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ये छह ऐश्वर्यों के बारे में। असीम संपत्ति। इस भौतिक जगत में अत्यंत धनवान व्यक्ति होते हैं, परंतु कतई वो ये दावा नहीं कर सकते कि पूरे जगत में वो ही सबसे धनवान व्यक्ति है। कृष्णा जब इस धरातल पे 5000 साल पहले अवतरित हुए थे, तब उनकी 16108 पत्नियां थी और हरेक पत्नी के लिए उन्होंने आलीशान महल बनवाए थे। और महल में सारी दीवारें सोने, चांदी, हीरे और रत्नों से जड़ित थी। बाग और बगीचे में पारिजात के फूलों से सजाया हुआ था। इससे हम समझ सकते हैं भगवान की असीम संपत्ति के बारे में। असीम शक्ति। कृष्णा जब 3 मास के थे, तब उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया और 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा करी। तो इससे हम जान सकते हैं भगवान की असीम शक्ति के बारे में। असीम यश। कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में 2 साल, 5 साल, 10 साल या ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक प्रसिद्ध हो सकता है, परंतु कृष्णा आज 5000 साल के बाद भी अपनी दिव्य लीला और दिव्य गुणों के कारण आज भी प्रसिद्ध है। उनकी भगवद गीता आज भी पढ़ी जाती है। तो इससे जान सकते हैं भगवान की असीम यश के बारे में। असीम सौंदर्य। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में कहा है, कंदर्प कोटि कमलीय विशेष शोभम। कामदेव अति सुंदर माने जाते हैं। यदि हम 1 करोड़ कामदेव का सौंदर्य भी एक साथ रखें ना, तो भी वह कृष्णा के सौंदर्य के बराबर नहीं होता। तो इससे हम जान सकते हैं भगवान के असीम सौंदर्य के बारे में। असीम ज्ञान। बड़े बड़े वैज्ञानिक और तत्वज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं, परंतु कृष्णा के ज्ञान की तुलना में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि कृष्णा वेदों के मूलभूत संकलन करता है और उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान उजागर किया था। पूरे जगत में भगवद गीता के अलावा और कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है जो स्वयं श्री कृष्णा ने अर्जुन को बताया था। असीम वैराग्य। इस जगत में बहुत सारे वैरागी हो सकते हैं, पर कृष्णा सर्वोत्तम वैरागी है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि वे समस्त जीवों के पालन करता है और सर्वव्यापी है, फिर भी वे इस संसार से पूरी तरह से विरक्त है। इससे हमें पता चलता है भगवान के असीम वैराग्य के बारे में। ये 6 ऐश्वर्य कृष्णा में परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है, इसीलिए कृष्णा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। ये है भगवान की परिभाषा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।